हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। तो कैसे हो आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से और वादियों से। तो अभी हम बकुनी आए हुए हैं, जहाँ पे हम कल पार्टी में आए हुए थे। तो अभी मम्मी जी को लेने आए हैं, तो वापस जाएंगे। और आज की बारात है अपना नैनीताल में। तो नैनीताल में सबसे पहले जाएंगे कैंचीधाम के दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। और फिर जाएंगे आगे, और भी जो भी एक्सप्लोर होगा वो करेंगे, और सारी चीज़ दिखाएंगे आपको। और फिर बारात में तो शामिल होना ही है। और बिल्कुल शांति, मस्त शांत वातावरण, शहरों से दूर सुंदर सुंदर वादियों में आराम से। क्या नज़ारा है मॉर्निंग का। और ये सामने है किनारा परचून की दुकान, और साइड में रोड साइड, और ऊपर है बकुनी गांव जहां हम पार्टी में गए थे। और आज है बारात जो कि नैनीताल जाएगी। टाइम हो गया है सुबह के 8:30, तो 8:30 बज गए हैं। और यहां पे जल्दी सुबह हो जाते, जल्दी उड़ जाते हैं। 6 बजे उड़ गया था मैं तो। यहाँ सीधा फिर रेडी होंगे बारात के लिए, और आपको अपडेट देते रहेंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो बने रहिएगा, ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो बारात 3 से 4 बजे के आसपास निकलेगी, और हम फिर रेडी होते हैं, और 2 से 2.5 घंटे में हम नैनीताल पहुँच जाएंगे। 2 से 2.5 घंटे में नैनीताल पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ की सबसे पहले करेंगे कैंचीधाम के दर्शन, नीम कौड़ी बाबा जी के। तो चलिए बने रहिएगा, अभी चलते हैं, रेडी वेडी होंगे नहा धो के। नैनीताल यहाँ से कम होगा 80 से 90 किलोमीटर अपना भतरोज खान से। तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे हमें लग जाएंगे पहुँचने में, और जो भी वहाँ की लोकेशन होगी, खूबसूरत रोडें होंगी, आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो भाई ये आ गए यहाँ पे काफल, देखो लाल लाल, और इसमें सही मसाला वसाले डाल दिए, तो उसको चखते हैं। उत्तराखंड का काफल बहुत ज़बरदस्त मीठे होते हैं, खट्टे मीठे। ये समर्थ भी ले आया, ओए ओए कटोरी भर भर के काफल, मम्मी के साथ खाओ आप। तो इसको एंजॉय करते हैं, ठीक है पक्षा, चलो खाओ ना आप। थोड़ा सा भी गाड़ी साफ कर लेते हैं, बहुत गंदी हो गई, धूल मिट्टी ज़्यादा हो गई थी, तो थोड़ा गाड़ी साफ करते हैं और इसको भी फ्रेश कर देते हैं थोड़ा। हम भी नहा धो लिए और फिर तैयारी करेंगे बारात में जाने की नैनीताल। तो रेडी रही, तो यहाँ पे मेरी तरह सम्मी भी लगा हुआ है धोने में, और 2-3 बाल्टी ने ऐसी ख़राब कर दी पानी की, और ये गाड़ी चमका दी है यहाँ पे, इसको भी चमका दिया, और हम भी होते रेडी। चलो समर्थ बहुत है ना, हो तो क्या, कितना धोओगे इसको हैं? ये देखो समर्थ नहीं मानता। हो चुके हैं सारे रेडी, ये देखो, और जा रहे हैं बारात में सीधा। अब आपको देश से दिखाते चलेंगे, और नैनीताल में आप बारात जा रही है तो वहाँ के नज़ारे भी दिखाएंगे, और सबसे पहले जाएंगे नीम करोड़ी जी। तो बने रहिएगा साथ में, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे। ये देखिए बारात जा रही है आगे, सब गाड़ियाँ रेडी होगी सारी, और हमारे भी लोगो रख गया, ये देखो शादी का ये सामने। तो चलते हैं फिर, आपको भी दिखाते हैं, बने रहिएगा। और समर्थ भी है, ये देखो दूल्हे की गाड़ी सामने, तो अभी साथ के साथ निकलेंगे सारे, बाकी पीछे से आ रहे हैं सब।
छोटा सा ब्रेक लेने के लिए उतरे हुए, इसको दूध दूध कर रहा है तो दूध ले रहे हैं इसके लिए, इसने परेशान कर दिया पूरे रास्ते। और मस्त मौसम हो रहा है, नैनीताल का रास्ता बहुत ही प्यारा है, रिची से कट गया था राइट में, और यहाँ पे छोटा सा ढाबा है तो यहाँ से इसका दूध बनवा रहे हैं। गाड़ी यहाँ खड़ी है, ये रोड देखिए, तो अच्छा मौसम हो गया और फॉगी फॉगी सा मतलब सही हो गया ठंडा सा अब, और शाम हो चुकी है ना तुम्हें, मज़ा आ रहा है। यहाँ से रह गया होगा नैनीताल 50 किलोमीटर, और आगे अभी चल रहे हैं बस, लगे हुए हैं ऐसे रोड पे, ट्रैफिक भी थोड़ा सा ठीक है। और ये देखिए छत देखो भाई साहब, किसी का घर कितना बड़ा है ये, और वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट। ये पूरी घाटी टाइप की है, वो देखो ऊपर रोड जा रही है ऊपर सामने, ठीक है आगे बस थोड़ा सा रेस्ट करके चलते हैं, बस मम्मी को दूध पिला के गाड़ी में फिर चलते हैं। और ये रहा यहाँ पे रंजीत विद मनीषा, गुनगुना सा कर देना, बहुत बढ़िया। तो एक एक चाय भी मंगा ली, चाय पी रहे हैं, ख़त्म कर दी थोड़ी, और ये व्यू का आनंद लीजिए यहाँ से, और चाय पी के सीधा निकलते हैं। एक गाड़ी और आगे पीछे, भैया भैया आ गए सब, और उनके साथ ही चलते फिर आगे, और ये यहाँ का व्यू, चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं सीधा। चलिए, और भैया जी की ये दुकान है यहाँ पे बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, और यहाँ से खिड़की से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। और टाइम हो गया है 6:10, सामने गाय अपना चल रही है आराम से, और कुछ बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, और यहाँ देखो खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग ये सामने। चलो चलते हैं फिर आगे की तरफ, और मिलते हैं गर्म पानी से सीधा फिर कैची धाम। अभी पहुंच गए हैं हम गर्म पानी, और इससे आगे जाएंगे फिर कैची धाम पड़ जाएगा, 5-7 किलोमीटर से आगे है, और आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा। और ये है यहाँ का फ्लाईओवर, देखिए पानी पानी दिए, और यहाँ से मुड़ना है हमें, यहाँ से मुड़ना है राइट को कैची धाम के लिए, और लेफ्ट में जा रहा है रानीखेत अल्मोड़ा कर्णप्रयाग वगैरह, तो यहाँ से ये लेफ्ट में कट गया रोड, और हमें जाना है यहाँ से राइट, और ये आ गया यहाँ पे गर्म पानी। चलिए दोस्तों, और शानदार व्यू देखे, और मौसम हो गया ठंडा, हवा चल रही है, बारिश जैसा मौसम हो गया। हम पहुंच गए ये गर्म पानी, और ये गर्म पानी की मार्केट है पूरी सामने, और ये तो यहाँ से एक शर्ट लेनी है मेरे को, तो अभी पूजा देखने गई है और मम्मी जी भी, और ये पूरा गर्म पानी है, इससे आगे कैंची धाम, और आपको दर्शन कराते बने रहिएगा, और कैंची धाम में करेंगे इंजॉय, और दर्शन आपको भी कराएंगे मस्त तरीके से, ठीक है सम्मी, कैंची धाम में घूमोगे ना पक्षा, पापा को भी दे। चलो जी, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखा है तो इसलिए थोड़ा सा ट्रैफिक लग गया था, आगे सामने का व्यू कुछ ऐसा है, बारी बारी करके जा रहे हैं, बारी करके घूम रहे हैं। पहुंच गए हैं कैची धाम मंदिर, और यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी सामने, है ना समी, तो आज समी को भी पहली बार आया है ये कैची धाम में, और वाइफ भी पहली बार आई है, तो आज दिखाते हैं आपको भी, दर्शन कराते हैं, और मौसम देखो कैसा हो रहा है, और ये पहाड़,
चलिए चलते हैं, ठीक है, कैसी नामी दर्शन कर रहे हैं। और टाइम हो गया 7:10 और 4:30 के आसपास चले थे तो वही 2.5 घंटे लग गए। और ये बाहर रेस्टोरेंट वगैरह खुल गए, बहुत अच्छा लग रहा है, होटल ग्रीन पार्क रेस्टोरेंट, तो बढ़िया हो गया। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, पूरा सही मार्केट सी लग गई पूरी। और ये सामने प्रसाद की दुकान कैची धाम की, खाने पीने की, चाय पानी। और ये सामने देखिए रोड, तो बढ़िया लग रहा है। लेफ्ट साइड में सही खाने पीने का भी पूरा हो रखा है। चलिए चलते हैं आगे। और ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो यही है कैची धाम बाबा जी, सामने ये कैची धाम, ये है नीप करोड़ी बाबा जी। तो चलिए, ये प्रसाद की दुकान लगी हुई है और लेफ्ट साइड में सीधा कैची धाम आ गए। और ये रहा बाबा जी का दरबार, और कहा जाता है ये हनुमान जी के रूप है। तो चलिए दर्शन करते हैं। जय श्री राम, जय कैची धाम, जय नीवी बाबा नीप करोड़ी जी की जय हो। तो ये रहा बाबा जी का एंट्रेंस श्री कैची धाम, परम पूज्य बाबा श्री नीप करोड़ी महाराज की जय हो। चलो जी, चलो जी, आगे आगे चलो जी। और सामने है बाबा जी का दरबार, और भी वो देखो शाम हो गई है और भीड़ भी ठीक ठाक हो रही है। और ये हमारी टीम पहुंच गई है कैची धाम। चलो बेबी जाओ। और ये सामने बाबा जी का दरबार, और अंदर फोटोग्राफी मना है तो मैं बाहर भी आपको दिखा देता हूँ। और देख लीजिए आप, ये है मंदिर, तो अंदर फोटोग्राफी नहीं है तो मैं पहले यहीं पे बंद कर देता हूँ। और ये व्यू देख लो सामने, चलो। तो फाइनली दोस्तों बाबा जी के दर्शन कर लिए, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी कि अभी गेट बंद ही हो गए थे, बस लास्ट हम ही घुसे और दर्शन कर लिए हमने अच्छे से, और अब गेट बंद हो चुका है। देखो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है सामने, तो मुझे पता भी नहीं था कि इधर ऐसे टाइम पे बंद हो जाता है। शायद 7:30-8 बजे का टाइमिंग है इसका। तो दर्शन हो गए अच्छे से बाबा जी से, और कैमरा अलाउड नहीं था तो मैंने वीडियोग्राफी नहीं करी वहाँ की। और बाकी चलते हैं अब सीधा आगे शादी की तरफ। और ये मौसम में पहुँच गए नैनीताल, और सामने देखिए नैनीताल का व्यू। और टाइम हो गया है 8:25, और ये देखिए ऊपर सरोवर नगरी नैनीताल में आप हार्दिक स्वागत करते हैं। तो बारात अभी रेडी हो रही है, तो चलते हैं बारात की तरफ। तो भाई बारात चल गई है, डांस चल गया स्टार्ट, आगे से वो जो चल रही है। हमें तो उसकी समर्थ की ड्यूटी दे रखी पकड़ने की, तो वो तो नाच रहे हैं और गा रहे हैं। तो अब पहुंच गए हम नाचते गाते। सामने है ये अपना एंट्रेंस, ऊपर है
नैनीताल देखे, चमक रहा है सही। बस पहुंच गए है ना, तभी पहुंच गए बस। चलो तो नाश्ते खाते बारात पहुंच गई है अपने अड्डे पे, नाच रहे और ये आ गए यहाँ पे बारात स्थान सामने, और सामने है हसीन वादियाँ नैनीताल, और ये है तल्लीताल। चलो चलो लो भाई, हो गई वरमाला भी दोस्तों, अभी चल रही है वरमाला और अब फेरे वेरे होंगे। खाना पीना हमने खा लिया था, एंजॉय कर लिया। तो ये थी नैनीताल की शादी, तो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना। अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, अब वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और कल दिखाएंगे आपको नैनीताल हो सके तो। अभी तो रात हो रहा है तो कुछ खास दिखा नहीं पाया, तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, देखिए।